कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको ये भी गारंटी दे रहा हूँ, अकेले आदमी में किसी में ताकत नहीं होती है, उंगली से मैं कुछ किसी को मारूंगा तो कुछ नहीं असर करता। यदि आप लोग सब मेरे साथ चलोगे, इस मुट्ठी से हम काम करेंगे तो इसका बहुत असर होगा। रही आपकी बात सड़क की, एक्सिन साहब के पास में गया, डी साहब के पास में गया, आपका मैं विश्वास दिला रहा हूँ आने वाले 10 या 15 दिन के अंदर इसका टेंडर पास हो जाएगा। जो भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, अंकुश मेरे पास बैठा था, स्पीकर पे फोन डाल के एक्सिन साहब से बात हुई, आपका साथी, आपका बच्चा, आपका भाई बीच में खड़ा है, पहले ही आपकी बात करेगा, बाद में मेरी बात करेगा, क्योंकि जो समस्या आपकी है वो इसकी भी है। जितनी समस्या से आप जूझ रहे हो उतनी समस्या ये भी जूझ रहा है, इसका परिवार भी जूझ रहा है। पर मैंने इसके सामने स्पीकर पे फोन डाल के मैंने एक्शन साहब से बात करी, एक्शन साहब ने बोला कि आने वाले 10 या 15 दिन के अंदर टेंडर पास हो जाएगा। जैसे टेंडर पास होगा कोई ठेकेदार आएगा, महीने दो, उसने मेरे को 2 महीने बोले हैं, मैं फिर भी आपसे थोड़ा समय फालतू मान के चलूंगा, ये काम शुरू होगा, मैं आपको लिखित रूप में देता हूं इस बात में, ये मेरी बात में विश्वास करो। मैं औरों की तरह नहीं हूं कि वोट ली जीत गए और जाके खनन का काम शुरू कर दिया। जमीनें आपकी हैं, मेरा गांव नहीं बसता यहां, मेरा गांव तो शहर के बीच में है, जिस पे आपका लोगों का हक होना चाहिए आज वो कौन लूट के ले जा रहे हैं आपके सामने है, सोचना आपने है। मैं भी गांव का ही हूं, हमारे लोगों की क्या गिनती कर रखी है, आपको लोगों को सच्चाई बताता हूं, मैं उन लोगों के बीच में भी रहता हूं, गहरे शराब पचा देंगे, मैं कहां जाएंगे, इतनी पिट्टी शराब बेच दी वहां, मैं किसी पर्टिकुलर एक आदमी का नाम नहीं लूंगा, आप सारे समझदार हैं, फलाने के घेरे में बेच दिए भाई, वो अपने आप सेट कर देगा। मान लो मैं रोज का पीने वाला आदमी हूं, 5 दिन पी लूंगा उसकी, बाकी 4 साल 11 महीने और 25 दिन कौन पिलाएगा भाई, इन चीजों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, जरूरत है, आप खुद समझदार हो। हम लोगों को सारों को एक होना पड़ेगा, एमएलए भी विपक्ष का भी बैठे हो, सरकार में भी ना हो, जाके एसपी को बोले कि ये काम करना है, जाके डीसी को बोले कि ये काम करना है, जाके एक्शन को बोले ये काम करना है, यदि नहीं काम करता, यदि दफ्तर के बाहर खड़ा होकर 2 बटन खोल देना अपनी कमीज के तो पसीने आने शुरू हो जाते हैं, मेरी बात से सहमत हो, हिम्मत नहीं है, अफसर की हिम्मत नहीं है जो एमएलए काम रोक दे, पर एमएलए में भी दम होना चाहिए, एमएलए में काम कराने का जज्बा होना चाहिए, अपनी जेब का जज्बा नहीं होना चाहिए। मैं अपने बारे में पहले आपको 2 बातें बताना चाहता हूं, गांव मेरा गोविंदपुरी है, सारे परिचित होंगे आप गाँव से, आप ही के हल्के का गाँव है, आप ही के जिले का गाँव है। अपने परिवार की बात बताना चाहता हूं, मेरा बेटा MBBS डॉक्टर है, आप समझदार हो, डॉक्टर तो कमा लेगा 2 पैसे, किसके लिए भागता आदमी पैसे लूटने के लिए, आप लोगों के आशीर्वाद से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से थोड़ी बहुत जमीन भी ले रहा हूँ, शहर के अंदर 70 दुकानें भी हैं मेरी जो किराए पे चल रही हैं, पीछे एक छोटा सा पहले से बना रखा है, आप लोग कुछ साथी हैं तो देखा भी होगा आपने, मैं यकीन मानने लकड़ी के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूँ, शाम के वक्त है, 2 समय मिल रहे हैं, मैं पैसा कमाने के लिए राजनीति में नहीं आया हूँ। आप अपने दिल के ऊपर हाथ रख के बोलना, मैं इलेक्शन भी ना लड़ूं, खाली पार्टी का बन के रहूं, क्या मेरा अपना निजी काम कभी रुक जाएगा, दुष्यंत कभी मेरा काम रुक जाएगा, आप सोचो अपने दिल से, रहेगी पैसे की बात, बच्चों के लिए भागते आदमी, बेटा मेरा MBBS डॉक्टर है, अपने लिए तो कमा लेगा वो, मरा बड़ा पल काट देगा, जमीन में खाने में दाने भी आ जाए तो मैं किसके लिए भाग रहा हूं, आप लोगों के लिए, मैं एक छोटा सा दुकानदार हूं, कारा बेचने का मेरा काम है, पुरानी कारा खरीदना और बेचना मेरा काम है, हम तो 2-4 हज़ार रुपये कमाकर कमीशन लेकर बड़े खुश हैं, हमारे खनन के ट्रकों मेरा इतना बड़ा पेट नहीं है कि मैं अरबों खरबों रुपये पहुँचा लूँगा, ना मेरी इतनी हैसियत है, ना मेरी औकात इतनी, ना मेरे को ऐसा पैसा चाहिए जो मेरे बच्चों के ऊपर ऊपर पड़े। आज मेरे को कोई खतरा नहीं है, मेरे साथ कोई गनमैन नहीं आया, मेरे साथ मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे दोस्त आए हैं, आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ, छाती पे हाथ मारे तो मुझे किसी प्रकार आप लोगों से या किसी से भी पूरे हिंदुस्तान में क्या वर्ल्ड में मेरे को किसी खतरा नहीं है, क्योंकि मेरी किसी दुश्मनी नहीं है, अन्य आते होंगे आपके साथ गनमैन लेके आते होंगे, मैं पहले भी आपके गांव में इलेक्शन के दौरान आया तब भी मेरे को गनमैन दे रहे थे, मैंने गनमैन लेने से मना किया,
मुझे क्या जरूरत है, अमेरिका दुश्मनी है, मैं कभी खनन का काम कर रहा हूँ, मैं कभी दो नंबर का काम कर रहा हूँ जो मैं डरूंगा। आप लोगों का गांव, आप लोगों को पता है नशे की चपेट में आ चुका बुरी तरह, हर प्रकार का नशा, चार चार पांच पर ठेके खुल रहे हैं, बच्चे बेले फिर रहे हमारे, ये घर से हर बच्चा लेता है, हर माँ बाप देता है, सवेर से लाके शाम तक मानो उन्हें पी के अपना खेल कूद के अपने घर चला गया, माँ बाप को पता भी नहीं है। मैं भी आसौलाद वाला आदमी हूँ, हमारे बच्चे इस चीज में बिगड़ रहे हैं बहुत ज्यादा। इन चीजों से आपको मेरे को बार बार अनुज अंकुश भाई नितिन मेरे को करवाते रहते हैं, भाई जी हमारे वहाँ ये फलाने गांव का नशा बिक रहा है इतना गंदा। मैंने अपने 48 साल की उम्र में वो नशे नहीं देखे कभी भी जिंदगी में, मैं नशा नहीं करता जी कोई। मैं आपको बार बार एक बात कहूंगा, मैं आज का वोट का दिन नहीं है, 3 साल पड़े इलेक्शन में, मेरे को 2000 वोट मिली है, हमारा भी सरकार के अंदर हक है, हिस्सेदारी है, ये लोग हमारा काम नहीं होने दे रहे, आप मेरी बात तो समझो। लेकिन मैं अपने दम पे काम कराता हूं, मेरी सुप्रीम पावर तो दुष्यंत चौटाला है, रह गया आपके पुल की बात। एक दिन की बात है, अंकुश आया मेरे पास, इसके सामने मेरा लेटर पैड पड़ा था, इसको नहीं पता ना मैंने इसके आने पे लिख, मुझे नहीं पता था ये आ रहा, क्या लिखा था भाई लेटर पैड के अंदर, कि बीपुर से लेके टापू तक का पुल बनवाना है। ये आप लोगों ने तो मेरे को पहले नहीं बोला, अरे नितिन गवाह इस बात का, इसके सामने इसके गांव के चार लड़के और थे, वो मेरे साथ एक्शन साहब के पास बैठे थे। मैंने कहा जिस प्रकार से श्याम सिंह राणा ने जटलाने वाला पुल बनवाया, वो बोलते जी 200 करोड़ का है, मगर इसके मत आदमी की वैल्यू तुम्हारे कीमत उसमें कुछ नहीं है, पैसा ज्यादा हो गया, मेरे को वो पुल चाहिए। आज मेरे यमुनानगर का वासी पूरा यूपी क्रॉस करके 5 थाने लगते हैं आपके उसमें, जब आप यमुनानगर मेरे दफ्तर तक भी आना हो ना अपने, आप गिन लेना अपने गांव से लेके सारे थाने चौकियां गिन लेना, मेरे दफ्तर तक पहुंचने 5 या 6 लगेंगे आपको, कोई ना कोई चलान काटेगा, कटेगा 100% चलान काटेगा कोई ना कोई, आप घर से भी निकलने से बहुत आज हो गए, कुछ ना कुछ तो करेगा ही, तो आप समझदार है। यदि ये पुल आपका बन जाए 15 मिनट का रास्ता रह जाएगा जमुना नगर का, पहले भी ये पुल बना था आपने पता ही है ना, अरे ये भी पता किन्हें तोड़वाया था, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, अरे क्यों तोड़वाया था वो भी आपने पता है। आप मेरा साथ दो, वो मेरे भाग्य में होगा ना यदि बनना, वो ईश्वर कर बनाएगा। आप मेरा साथ दो, इलेक्शन का नतीजा फिर भी कुछ निकले, सरकार क्यों सिर की भी आए, आप मेरा साथ दो, मैं इनकी प्रशासन की ईंट से ईंट बजा दूंगा। मेरे में काम करने का जज्बा है, मैं काम करना चाहता हूं, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, अकेला मैं नहीं काम कर सकता, आओ मेरे साथ खड़े हो, देखो कैसे काम नहीं होता, आप लोगों के साथ की जरूरत है। अभी मेरे को रास्ते में आते नितिन बता रहा था कि भाई जी कम से कम 2-2.5 हजार वोट हैं, वोट के साथ साथ हमारे छोटे बच्चे भी तो हैं जिनकी संख्या कम से कम 1000 के करीब होगी, तो हम जनसंख्या के आधार पर गिने तो 4000-5000 के करीब बैठते होंगे। इन 4-5 हजार को इग्नोर क्यों किया कर जा रहा है, चाहे वो टीकाकरण में हो जो चल रहा है, अब आप यहां से वहां जाके तेल फूकोगे, एक गाड़ी के अंदर 400-500 का तेल लगेगा, 4 आदमी को टिक्के लगे, 5 जने बैठाओ को चलान काट देगा, बेल्ट नहीं पड़ी चलान काट देगा, जल्दबाजी में निकलता आरसी चेक कर ली घर भूल गया तो चलान काट देगा, इंश्योरेंस मतलब ये चीज जो टीका भी हमने लगवाना, जबरदस्ती हमारे ऊपर है फिर भी हमारे चलान कटेंगे, नुकसान हमारा कुल मिला के नुकसान ही नुकसान है। यदि आपका ये पुल बन जाता है जैसे मेरे ताऊ जी ने बताया, मेरे बुजुर्ग ने बताया, मेरे में कमी है मेरे मुंह पे बोलना, मेरे में यदि कमी निकले बनने के बाद भी वैसे भी मेरे मुंह पे बोलना, मेरी कमियों को सुधारने वाले भी आप होंगे। यदि आप मेरी कमी को नहीं बताओगे तो मैं दूर कैसे करूंगा, मैं तो कमी को बढ़ाऊंगा अपनी को। आप मेरा साथ दो, चाहे वो टावर लगाने की बात हो, सबसे पहले मेरे पास मोनू आता है, हाँ टापू लड़का, उसने मेरे को बोला जी गांव में घोड़ा पुलिस नहीं है, कहा मोनू वो बैठा जी बैठा भाई, तो मैं बोला तो मेरा घोड़ा पुलिस नहीं है, किसने लगवाई घोड़ा पुलिस,
क्या मैंने आपके बीच में इस बात का गुणगान किया? क्या मैं उन्होंने आपको कभी आगे बोला जी हमने लगवाई दिया? हमें काम होने से मतलब है, सिर्फ काम होने से मतलब है। मेरे साथ मेरा जिला कार्यकारिणी का महबूब हसन जी बैठे हैं, इन्होंने पिछले 5 साल से लगातार हमारे जो मौजूदा विधायक साहब हैं, उस टाइम तो हम साथ नहीं थे, पूर्ण तौर पर इनकी सरकार थी, आज तो चलो हम भी साथ लग रहे हैं। इन्हें बैठे हैं जी, गंदा पानी पीने में मजबूर थे, पूछो। मेहनत इसकी है, फोन मैंने किए, गया मैं, मेहनत इसकी है, ट्यूबवेल लगवाया इनके गांव में, अरे गवाह बैठा है, एक दिन भी क्या दे मैं वहां कोई रिबन काटने गया हूँ या वो दूसरे नेताओं की तरह तट है, हाँ भी मोटा है पतला है, गया भाई। मैं कहा लोगों को पता होना चाहिए काम किसने किया, इसमें भी राजनीति करूँ मैं, पानी के अंदर भी लोग तो छबीला लगावा, लोग तो अपने घर के बाहर टूंटियाँ लगावा, प्याऊ लगावा, मटके रखा, अभी कोई प्यासा रागीर पानी पीवा, तो मेरे पास इस प्रकार की राजनीति नहीं होने की। मैं सिर्फ आपका साथ मांग रहा हूँ, यदि जहाँ मैं खड़ा हूँ मेरे साथ आप खड़े हो, हिम्मत नहीं है प्रशासन की जो आपका काम ना करे। यदि आप बट जाओगे, कुछ इधर चले गए, कुछ इधर चले गए, कुछ इधर चले गए, तो फिर वैसे के वैसे रहेंगे। इससे पहले कि मेरा भी जज्बा खत्म हो, मैं भी निराश होकर बैठ जाऊं, मैं भी अपने छोकरे के अस्पताल के अंदर मैनेजर बनकर बैठ जाऊं, मेरे को अपने बीच में लाओ। शहर में जाके देखो मजाक उड़ाते हैं, शहर में जाके देखो कि वो लोग मेरे पास भी आगे बैठते हैं। हम कहां से आए थे, अपनी लैंग्वेज पंजाबी में बोलते हैं, आगे साढ़े बाद समझ रहे होंगे मेरी बात को आप। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी जात का, किसी बरादरी का, सब इंसान ही है, लेकिन आप इस बात को समझो, हमारी जमीनों के अंदर उन्होंने मकान बनाए हमने दिए, आपकी जमीनों के अंदर उन्होंने खेती करी, खनन किया, आपका अधिकार है ये, मेरा खुद का नहीं है। यदि कुदरत ने आपको बाढ़ भी दी है, पानी से प्रभावित भी आप सबसे ज्यादा हुए हो, घर आपके भी जुड़े होंगे, जब 1977-78 में जब वो आई थी बाढ़ 78 के अंदर, कितना कितना पानी था, ये महर पेड़ के लेवल का पानी था, वो भी आपने भुगता, मैंने नहीं भुगता, मैं तो सिर्फ 4 साल का था, रहने के मकानों में तरह तो हर 10 साल में यही हाल, रहने के मकानों में तरह, मैं तो सिर्फ आप बोलूंगा, यदि वो शहर का इलेक्शन करते हैं तो आप गांव का इलेक्शन कर दो। मेरा डीएनए चेक करना है तो मेरा डीएनए चेक कर लो, मैं किस खानदान से बिलोंग करता हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, तो मैं बाहर से आया हूँ, मैं मेरा भी जन्म यही का, मेरे बापे का भी, पड़बाबे का भी, उसके का भी, उसके आगे का भी, उसकी मेरी पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ आपकी तरह यही जन्मी आ रही है, तो मेरे से अपना समझो, बता ना समझो, गलती करो मेरे कान पकड़ो, आप बड़े बैठे हो, बुजुर्ग बैठे हो, मेरे पिता समान बैठे हो, यदि कोई गलती कर तो मेरे कान पकड़ो, उनकी तरह नहीं हो। अभी आप जाओगे एमएलए बन गए, अरे पंजाबी में कहते हैं साहब की सरकार नहीं है, खनन करने के लिए तेरी सरकार भी है, शराबा बेचने के लिए तेरी सरकार भी है। 4 महीने लगातार मैंने टीका केंद्र चलाया अपने पैलेस के अंदर, फ्री में देख रखा पैलेस, यदि मैं भी पैलेस किसी ब्याह शादी में दूं किराया था मैं भी 2 पैसे कमाऊंगा उसके अंदर, लेकिन 4 महीने लगातार जिसके अंदर चलो दीवारों का किराया मेरा किसी का नहीं है, लेकिन बिजली तो मेरे घर की थी, 15 पंखे चल रहे, 2 कमरे उनको ए सी के दर थे, किसके लिए, कि जमुनानगर के जितने भी मेरे भाई बंधु हैं सबको टीका लग गया, और उसके बावजूद भी लगातार रोज रूटीन में जो मेरे साथ जुड़े हैं लोग हैं फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से या सोशल मीडिया किसी माध्यम से, पिछले 6 महीने जब से टीकाकरण चल रहा है डेली मैसेज करता हूँ, जिनके मेरे पास पुराने नंबर हैं, नितिन का नंबर है मेरे पास, अंकुश का है, अनुज भाई का है मेरा नंबर, आप लोगों को भेजता हूँ क्योंकि आप आगे भेजे लोग पता चले भी कहाँ कहाँ टीकाकरण लग रहा है। मैंने तो मार्च के अंदर मेरे दोनों टीके कंप्लीट हो गए थे, मैं सोचू मेरा तो लग लिया मेरे परिवार के, लेकिन मैंने कैसे कराया, वोट किस मुँह से मांगने जाऊँगा आपके पास, किस मुँह से कहूँगा आपके पास आगे, ये आपको पता होना चाहिए चीजें। मैं कहता हूँ मेरे बारे में 3 साल पड़े हैं, अजमाओ मत डालना वोट, वोट का अधिकार है आपका, जिस मर्जी को पाइयो, लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरी, आज जोड़ के बेचो मत, किसी लालच में आगे, किसी दबाव में आगे बेचो मत इस वोट को, यह अधिकार है हमारा।
बड़ी मुश्किल से अधिकार मिला था। अंग्रेजों ने कहा वोटा पाण दी, देश आजाद होया तो फिर ये अधिकार मिला। और उस अधिकार को भी हम छान का छलनी के अंदर जितने भी खड़े होंगे, यदि मैं आपकी छलनी में पार निकलता हूँ, आपके बातों में खरा निकलता हूँ, तो डाल देना वरना जमाते रहना। मैं आप लोगों के बीच में बार बार आता रहूँगा, अपने लिए क्लास करता रहूँगा। बंबल भाई मिला मेरे को अंकुश के साथ, कह रहा भाई मेरे को नहीं पता चाबी किसकी है। मैं तो तुम जोर ने कहा था भाई वोट पानी है, वोट पाई। बस्ता थाने वाला जो छोकरा था जी गांव के अंदर, मैं एहसान बंद उसका ता जिंदगी नहीं रहूंगा इसका। मैंने कभी जिंदगी के अंदर नहीं सोचा था, मैं सच बोलूँ, जिस टाइम मैं इलेक्शन लड़ रहा था उन दिनों चल रहा था, मैं कभी सोचा नहीं था भी घोड़ों पिपली के अंदर आगे कि आप लोग मेरे को इतना मान और सम्मान दोगे। मैं जो मेरे को अपना पुराना साथी मिला, मेरा भाई ओंकार भाई ने मेरा आशीर्वाद दिया, अपना साथ दिया मेरे को, मैं आपका भी बहुत बहुत ऋणी हूँ, आभारी हूँ। और आपको विश्वास दिलाता हूँ ओंकार भाई, आप मेरे साथी हो, मेरी उम्र के हो, कुछ मेरे से बड़े बैठे हैं, कुछ मेरे छोटे बैठे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, शर्मिंदगी महसूस नहीं होने दूंगा। अभी किस आदमी को वोट डाल दी, किस आदमी के साथ चल दिए, ये नहीं आपके मुंह से कभी निकलने दूंगा, अभी गलत आदमी को वोट पा दी। मेरे जो भाग्यम होगा वो ईश्वर कर देगा, वो ईश्वर करेगा जो मेरे भाग्य के अंदर होगा। लेकिन आप लोगों को जितने मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे साथी, मेरे छोटे भाई, बड़े भाई बैठे हैं, मेरे पिता समान बैठे हैं, किसी एक आदमी को शर्मिंदगी महसूस नहीं दूंगा। मेरे पूरे हल्के में घूम लीजिए आप, आपकी कहीं ना कहीं रिश्तेदारी भी होगी अलग यमुनानगर में, आपके यार दोस्त भी होंगे, कुछ दुकानदार भी होंगे, कुछ और भी होंगे, हर प्रकार संपर्क होंगे आपके। किसी गांव के अंदर जाके मेरे नाम की गाली दिखा दो, कि गोली गाली देता हो, राजनीति छोड़ दूंगा। कोई मैं 25 साल से कार बाजार का काम कर रहा हूँ, 25 साल के अंदर कोई तो गलत काम किया होगा, एक निकाल दो राजनीति छोड़ दूंगा। एक मुकदमा मेरे ऊपर हो किसी प्रकार का भी, 57 का भी, राजनीति छोड़ दूंगा। या कभी जिंदगी के अंदर 48 साल की उम्र के अंदर राजनीति छोड़ दूंगा। और इन लोगों के देखो किसके ऊपर खनन का चल रहा, मैं आपको मन पर खड़ा होकर झूठे वादे नहीं करूंगा, आपको झूठी बात नहीं बोलूंगा। आरटीआई के माध्यम से आप एक एक क्या वजूद पता कर सकते हो। आरटीआई लगाओ, जितने भी हम कैंडिडेट हैं सबका आपको चिट्ठा नजर आ जाएगा। 50 साल पहले भी निकाल के देखना, 50 साल बाद भी निकाल के देखना, और आज भी निकाल के देखना, अभी कौन पहले क्या था, वो कब कितना अमीर कैसे बन गया, किस चीज से बन गया। और उसके ऊपर आगरा के अंदर जाके एक अंग्रेजी छेड़ने का आरोप क्यों लगा, इलाहाबाद कोर्ट के अंदर 307 का मुकदमा क्यों दर्ज है, कभी पूछा किसी ने आप लोगों ने से, या खनन खनन के लिए है वो। एक मेरी तो गाड़ी नहीं कोई है आई, अभी आप लोगों के ऊपर ध्यान रखे भी कौन वोट की तरफ आ रहा। मेरे से अनुजी था टापू के अंदर, मोरू बैठा था, एक एक गली के अंदर नितिन ने घुमाया मेरे को, एक एक घर के अंदर मेरे को बिठाया, आप लोग ही थे। मैंने तो कोई गाड़ी यहाँ पे थी, उनकी 200 गाड़ी यहाँ खड़ी रही आपके पास, अभी देखो कौन क्यों जा रहा, मतलब गुलाम बना के रहना चाहते हैं मेरे को, अभी फलाने की बैठक में क्यों चला गया। मैंने कभी अपने किसी साथी को आज तक नहीं रोका, अभी तुम उसके पास क्यों जाते हो, जाओ उसके भी दिल की सुनो, क्या आप तो वो भी हमारे साथ लगना चाहता हो। आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूंगा, झूठ नहीं बोलता हूं, जितना कि मेरे को पावर दे दी आप लोगों ने। हाँ जी, एक बात कर दूं। हाँ जी, जरूर जरूर। छोटी बड़ी समस्या तो लगी रहती है, जी मेन समस्या हमारे गांव पूरी कर लेने के लिए आ जाओ, आ जाओ, अगर यह हल होगी जी, ये पुल बन गया तो मुझे ऊपर ही चले जा, बस कोई नहीं इधर आ रहा तो इन लोगों का सब पैसा रे गांव का टापू भरोसा है जी, टोटल वोट आपकी जान जी, एक भी एक दो चार का तो देना नहीं, मिस हो जाए अगर ये पुल बन जाए जी, छोटी बड़ी समस्या लगी रहे, मेन समस्या पुल की। अगर आज सरकार के अंदर इस पर काम इससे पहले जी आप कर दो इस सरकार। देखो पुल का मेरा प्रोजेक्ट पूछा था, नितिन मेरे साथ था उस टाइम, 200 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट है जी, 200 करोड़ का, ये एमएलए के हाथ की बात नहीं है, सरकार के आगे कुछ नहीं। मैं आपकी ताऊ जी, मैं आपकी बात मान गया हूँ, मुख्यमंत्री मैं उसकी पूरी कॉपी निकलवा रहा हूँ, उसका पूरा लेटर तैयार कराऊंगा, आप लोगों के बीच में दोबारा आऊंगा, वो लेटर यहाँ भेजूंगा या खुद आऊंगा मैं, आप लोगों के मुझे उसके ऊपर साइन चाहिए विद फोन नंबर।
एक एक आदमी उसके ऊपर साइन कर दियो, क्योंकि उसको भी दुष्यंत को भी पता चला भी अब सारा टप्पू और ये गोड़ो पीपली साथ है। अब इनकी समस्या जनमन है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा रहेगी स्टेडियम की आपकी, यदि आपके गांव में स्टेडियम बन जा। स्टेडियम की बात मैंने स्टार्ट करी थी, इन लोगों को भाइयों को बोला था अपने भाई, आप लोगों में से आने वाले सरपंच भी हो, आप लोगों में से कोई जिला परिषद का मेंबर बनेगा, आप लोगों में से ब्लॉक समिति का बनेगा, आप लोगों में से MLA बनेगा, आप लोगों में से ही कोई DCSP बनेगा। भाजपा की 10 साल की सरकार है जी, अब तक तो यह सड़क बनी, कब बनेगी जी? 7-8 साल। मैं 2 महीने उसने मांगे है जी प्रधान जी, 2 महीने उसने मांगे है प्रधान जी, 2 महीने उसने मांगे है। नहीं, शुरुआत सड़क से ही कराएंगे भाई। कोई बात करें ना। हाँ जी, एक मिनट भाई, सुन लो भाई, सुन लो भाई, एक मिनट, सड़क का टेंडर हो जाएगा, लेकिन सड़क बनने के बाद सड़क तो पहले भी बड़ी जी, यू पहिया हमारे सिर पर रात दिन रहे थे, यू खत्म हो रहा। वही तो मैं बात बोल रहा हूँ आपको। और पुल तो हमारी मेन समस्या है जी, सही मैंने तो पुल तो जरूरी है। मैं वही तो आपको बात बोल रहा हूँ, जो ये पुल का प्रोजेक्ट है जी, मैं भी खुद वहीं चल के आया जी, मैं भी नजदीक ने उसको नबी पर जी जी, मैं वही आप खेत में नहीं जा सकते, बच्चे भी खेत में जा सकते जी। या छोटी सी बात करो जी, यहाँ हमारे सारे चाचा ताऊ बाबा सारे ऐसे बैठे हैं, या भाई बैठे हैं यहाँ हमारे बीच में, प्रतिनिधि जी हमारे, ठीक है जी, सरकार में इनकी हिस्सेदारी है, इन्हें पकड़ लो, इन्हें पकड़ लो, इन बस अड्डे पर बैठ लो, इनकी हिस्सेदारी है, ये जो मर्जी करवा सके, इनका जो उप मुख्यमंत्री बैठा ये हमारे बीच में बैठे बड़े भाई हैं, बड़े सारे बच्चे हैं, करवा लो जी, इनका काम है नहीं है पेड़ निकालने के लिए, करवा दो इनको बस। प्रधान जी मैं टावर की और आपकी सड़क के साथ साथ मैं सुन तो लो भाई, मेरी सुन तो लो, मैं आपको गारंटी दे के जा रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरा जोर लगाऊंगा, मेरी बात पर विश्वास करिए कि मैं गया हूँ, मेरी बात पर विश्वास करिए कि मैं काम कर रहा हूँ।